दोस्तों नमस्कार। आज आपको बताऊंगा सिद्धार्थ विंडो कूलर के बारे में। ये ब्रांड मेनली एमपी में चलता है, मध्य प्रदेश में, और ये ग्वालियर का अभी कूलर है। दोस्तों ये कूलर देखने में कुछ इस तरह का है, आप देख पा रहे होंगे। ऊपर इस तरह का पेंट रहता है ब्राउन टाइप का, और नीचे सिद्धार्थ विंडो कूलर इनकी ब्रांडिंग है। और ये लेफ्ट साइड का व्यू है, ठीक है दोस्तों। जो मटेरियल क्वालिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है, मतलब अगर आप यूज करेंगे तो आपको 7-8 साल तक तो आराम से यूज आ जाएगा, और थोड़ी अगर आप केयर कर लेंगे तो फिर ये 10 साल तक भी आपको काम दे सकता है। अब बात करते हैं इसकी मोटर की, जो सबसे मेन पार्ट होता है, दैट इज मोटर। दोस्तों मैंने कूलर की मोटर खोल दी है, देखिए अंदर कुछ इस तरह का है। अंदर ये पाइप ऊपर तीनों तरफ जाता है, पाइप की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मैंने नॉर्मल कूलर देखे हैं, उनमें अच्छी नहीं होती है। ये इसका मोटर है, मोटर का ये कैप निकल गया है, कोई बात नहीं, इसको हम लगा देंगे बाद में। दोस्तों ये है इसकी मोटर, मोटर पे इस तरह सर्टिफाइड सिद्धार्थ की वारंटी है। मोटर भी सिद्धार्थ खुद ही प्रोवाइड करता है, कॉपर की मोटर है। दोस्तों इसकी कीमत है 5,500 रुपये, ये कॉपर में आता है, और दूसरा वाला है उसकी कीमत है 5,000 रुपये, वो एल्यूमिनियम में आता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप कॉपर लें, कॉपर की मोटर की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों ये मोटर है, मोटर का आरपीएम है 1,400, आप देख पा रहे होंगे ये लिखा हुआ है। 1,400 आरपीएम मोटर का है, क्लास ई है, मेड इन इंडिया है। और ये इसका फैन है, दोस्तों फैन प्लास्टिक का है, जो मटेरियल है प्लास्टिक का है, इसलिए लाइट वेट है तो काफ़ी स्पीड में घूमता है। और इसमें अंदर लकड़ी की पूरी फिटिंग की गई है, जिससे कि वाइब्रेशन कम से कम हो, तो लकड़ी की फिटिंग है। थोड़ा नॉइज तो करता है क्योंकि कूलर की स्पीड बहुत ज़्यादा है, 1,400 आरपीएम है, लेकिन नॉइज़ के बावजूद भी जो एयर फ्लो है वो ऑसम है, ज़बरदस्त है। मतलब बहुत बड़े रूम में आपको काफ़ी दूर तक देगा। आप मोटर का साइज़ देख पा रहे होंगे, साइज़ बहुत ज़्यादा है। उसके बाद भी जो उसका जो वोल्टेज है वो एकदम नॉमिनल है, मोटर का वोल्टेज अभी से मिट गया है, वरना इसका जो वोल्टेज था, ये जो वॉट था वो काफ़ी कम था, कुछ 140 वॉट की मोटर है। और इतनी बड़ी मोटर आपको 140 वॉट की नहीं मिलेगी, नॉर्मली आपको वो मोटर 200 से 250 के ऊपर निकल जाती है। तो कूलर का 250 की ये मोटर, और लगभग 30-40 वॉट की ये मोटर, तो आपका 300 वाट एट टाइम कंज्यूम करता है। लेकिन ये मोटर छोटी है, तो 140 की है, 30-40 लगभग 180-170 में आपका कूलर ऑल टाइम चलता रहेगा। अब दोस्तों इसका फ्रंट से मैं दिखा देता हूँ, इसका एयर फ्लो आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही अच्छा कूलर है। अब देखिए क्वालिटी, ये बीच में पार्ट्स दिए हैं इसकी मजबूती के लिए, तो नॉर्मली कूलर में आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि ये मजबूती के लिए है। और जो क्वालिटी है इसकी, स्ट्रेंथ, वो ज़बरदस्त है, ठीक है दोस्तों। अभी आप थोड़ा दूर से मैं दिखा देता हूँ व्यू, अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे से फ्रंट व्यू और एयर फ्लो। दोस्तों ये वाला स्विच इसके पंप का है, और दूसरा वाला जो ये है, ये इसके फैन का है। अब आप, मैं फैन चलाऊँगा, तो ज़बरदस्त एयर फ्लो है, आप देख पा रहे होंगे। मैं आपको कुछ कपड़ा वगैरह दिखा देता हूँ उड़ता हुआ। दोस्तों ये है सिद्धार्थ का विंडो कूलर कॉपर, इस तरफ सिद्धार्थ की ब्रांडिंग, और ये कॉपर की ब्रांडिंग, और ये आपका ये कूलर आगे से ये है। तो दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा आप कूलर लें। नॉर्मल कूलर आपको मार्केट में मिलेगा 4,000 या 4,500 का, आप 500-800 रुपये और एक्स्ट्रा ऐड करके आप ये कूलर ले सकते हैं, जो आपको लॉन्ग लाइफ और ज़्यादा अच्छा एयर फ्लो और बिजली की खपत भी आपकी कम से कम होगी। धन्यवाद।